my friends and welcome again to Fusion Kitchen. आज हम तवा ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं या इसे आप हेल्दी ब्रेड पकोड़ा भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम ऑयल में बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तवा ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में 1.5 कप बेसन लिया है। हम सबसे पहले बैटर बनाएंगे। पानी हम इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है। पूरा अच्छे से इसको मिक्स करके इसका थोड़ा थिक बैटर बनाएंगे। कोई भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, हमने एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। ये आप देख सकते हैं कि हमने बैटर एकदम स्मूथ बना लिया है और इसमें अब कोई लम्स भी नहीं है और इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे होना चाहिए। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं पकोड़े और आप इसको बहुत ही कम ऑयल में आप बना के खा सकते हैं। ये पूरे बैटर को बनाने में हमें 1.25 कप करीब पानी लगा है। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालते हैं सारे। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, अजवाइन, थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डालना है। ये सब मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम ब्रेड पीसेस को कट करते हैं। पहले यहाँ पे हमने ब्रेड पीसेस लिए हैं, ये हम व्हाइट ब्रेड यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। इनको पहले हम कट करेंगे, हम ट्रायंगल्स में इनको कट कर लेते हैं। ऐसे ही हम सारे पीसेस कट कर लेंगे। ये सारे ब्रेड पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब हम इनको बैटर में डिप करके तवे पे सेकेंगे। तो तवा हमने ऑलरेडी गरम कर लिया हुआ है, तो अब हम सेकना शुरू करते हैं। ये ऑयल हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया तवे पे। अब हम एक एक करके ब्रेड के पीसेस लेंगे जो हमने कट करे थे और जो हमने ये बैटर बनाया था इसमें ये पीसेस एक एक करके हम डिप कर देंगे ताकि जो बेसन है वो अच्छे से ब्रेड पे कोट हो जाए। ध्यान से हमने ये करना और साइड से हमने ये बेसन को ऐसे एक्सेस जो बेसन है वो हम निकाल देंगे। अब हम इसको आराम से डाल देते तवे पे। ऐसे ही हम एक और पीस ले लेंगे, अच्छे से डिप करते हैं। ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक्सेस जो बेसन है वो ऐसे डिप कर देते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे अब साइड्स में। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। अब हम इसको ऐसे कुक होने देंगे। एक साइड से इसको कुक करने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। फिर ये 2 मिनट करीब हो चुके हैं हमें एक साइड को कुक करते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे।
ये दोनों पीसेस की हमने साइड चेंज कर दी है। अब हम थोड़ा और ऑयल डालेंगे साइड्स में और दूसरी साइड को भी अच्छे से कुक होने देते हैं। दोनों साइड से जब तक अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता हम इसको कुक कर लेंगे। ये दोनों पीस अच्छे से सिक गए हैं दोनों साइड से। अब हम इनको किचन टेबल पे निकाल लेते हैं। ऐसे हम बाकी के पीसेस भी सेक लेंगे और फिर हम इनको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने कितने कम टाइम में और बहुत ही कम ऑयल में ये हेल्दी ब्रेड पकोड़े बनाए हैं तवे पे। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आप इसे कोई भी अपनी मनपसंद चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी प्लीज़ कीजिए। और आपको अगर हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।